नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से एनालिसिस लेंगे और बात करेंगे कि गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट सर्विस लगने के चांसेस हैं या नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कमेंट करिएगा और किसी एक को मैं सेलेक्ट करूंगा और आपके एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा। तो आज हमारे जो लकी कमेंटर हैं, मैं कहूँगा व्यूअर हैं, वो हमारे शुभम नाइक हैं और इनकी एनालिसिस मैं आज करूँगा। आप में से कई लोगों की शिकायत थी कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी दिशा कौन सी है, तो उसके लिए मैंने गूगल से एक इमेज मैंने निकाली थी और उसी को मैंने यहाँ पर डाला है। तो कहीं ना कहीं चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि लाइफ पाथ नंबर वगैरह कैसे कैलकुलेट आप लोग करेंगे। 28 मार्च 1993, तो अगर पहले इसका लाइफ पाथ नंबर की कैलकुलेशन सीख लीजिए, बहुत सारे लोगों से होती नहीं है इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपका ये जो बर्थ डेट होती है इसको आप सिंगल यूनिट में कर लीजिए, 2 और 1 8 का 1, तो मूलांक आपका 1 आ गया। अब इसको आप पूरा डिकम्पोज कर लीजिए। तो 1 तो हमारा ये आ गया लाइफ पाथ नंबर, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लिया। चलिए, उसके बाद अगर 2 और 8 1, जब 10 0 का कोई महत्व नहीं होता, 5, ठीक है, उसके बाद 1 और 9 10, 10 और 9 19, और 3 22, 22 का 4, 2 और 2 4, तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर क्या आया, इसको हमने सिंगल यूनिट में कर लिया, 1 5 6 + 4 = 10 और = 1, हमें 0 नहीं लेना है। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या हुआ, इनका भाग्यांक और मूलांक इनका एक ही यहाँ पर बनकर आया। इसको नहीं जोड़ना है ना मल्टीप्लाई करना है, ये सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए मैंने किया हुआ है। सन किससे रूल करता है, 1 नंबर से रूल करता है। अब इनकी पूरी जो रुशो ग्रेड है वो बना लेते हैं। तो 2 नंबर की प्लेसिंग हमारी यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2 नंबर यहाँ पर लेते हैं। 8 नंबर हमारा कहाँ पर है, 8 नंबर हमारा नीचे है, अर्थ एलिमेंट है, तो 8 नंबर यहाँ पर लेते हैं। 5 नंबर यहाँ आते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये आ गया कि इनकी ये लाइन पूरी शुरुआत में ही हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये इनके लिए बहुत बढ़िया है। अपना घर, एक बड़ा घर, एक अच्छी लिविंग ये ज़रूर अपने बिताएंगे, क्योंकि 2 5 8 शुरुआत में ही पूरे हो रहे हैं। तो ये बात आपको मैंने बता दी। अब आ जाते हैं कि आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर आ जाता है, फिर 99 इनके अंदर आ जाता है, उसके बाद हमको मिलता है 3, ये आपका 3 आ गया। मिसिंग क्या हो रहा है, मिसिंग नंबर्स भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। मिसिंग नंबर्स हमारे हैं 1 तो 4 7 और आपका 6, ये आपके मिसिंग नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। रेमेडी क्या करेंगे वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इनकी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो ये आपकी जो लाइन होती है पूरी नीचे की, ये प्रैक्टिकल पेन आपकी होती है कि कितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हैं। तो यहाँ पर 6 इनका मिसिंग है, 8 और 1 यहाँ पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल नेचर में तो है, एग्जीक्यूशन तो है मन में, लेकिन फुली नहीं है, 75% आप कह सकते हो। उसी तरह से इमोशंस, ये पूरी तरह से इमोशनल अत्याचार भी किसी के ऊपर नहीं करते, यानी कि किसी को ज़्यादा, किसी के प्रति ज़्यादा इमोशंस भी नहीं रखते, बैलेंस रहते हैं, क्योंकि 7 वहाँ पर मिसिंग है। उसके साथ साथ यह आपकी मेंटल थॉटनेस आ जाती है। मेंटल थॉटनेस 4 अगर होता तो मैं कहता कि बहुत ही शार्प माइंड है और एक बार जो पढ़ लेते हैं वो पूरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 बार 9 आ रहा है। जब 2 बार 9 आता है तो क्रिटिकल हो जाता है आदमी थोड़ा सा अपनी सोच में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। अब यहाँ पर जो लाइफ पाथ नंबर और मूलांक आपने निकाले थे उनको भी अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, नंबर में कलर एक बार चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये 3 बार 1 आपका आ जाता है और ये जो लाइन है ये पूरी आपकी हो रही है। तो अगेन ये चीज़ बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर जो है वो दे रही है। इस चीज़ को दर्शाती है कि इनकी जो विल पावर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और ये विल पावर के वजह से ही अपने जीवन को आगे लेकर जाते हैं। और कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन बहुत ही तगड़ी है भैया, जिसे बोल सकते हैं कि ज़बरदस्त इनकी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर फायर, अर्थ और वाटर तीनों साइन इनको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो
कहीं ना कहीं एक्शंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि ये विल पावर है, ये थॉट्स हैं, थॉट्स सही हैं, थॉट्स में थॉट वाली जो इनकी प्लेट है वो यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, थॉट्स इनके ठीक हैं, हर आदमी ये थॉट्स कंप्लीट नहीं होते, लेकिन एक्शंस जो हैं उसमें 7 और 6, ये आपका एक्शन है, ये आपका विल है और ये आपका थॉट है। तो एक्शन में थोड़ी सी कमी है, जो चीज़ें करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ये कर नहीं पाते। रीजन चाहे कुछ भी रहा रहे, इसमें कहीं कोई शक और शुबे की बात यहाँ पर नहीं है। अब 7 और 6 एक्शन ओरिएंटेड इन्हें बनना पड़ेगा, 7 और 6 इनका मिसिंग है, तो इसके लिए ये क्या करें? और ये 7 और 6 आपकी कौन सी दिशा आ रही है? आपकी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आपकी दिशा आ रही है। तो ये जो आ रही है, इसके लिए इनको उपाय करने चाहिए। एक तो विंड चाइम इन्हें लगाना चाहिए नॉर्थ वेस्ट साइड में, या वेस्ट में भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। इससे क्या होगा कि एक तो इसकी साउंड जो होगी वो एनर्जी लेकर आएगी, जो सोच रहे हैं वो कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने इनसे कहा कि डिटर्मिनेशन की थोड़ी सी कमी है, सरकारी नौकरी लगने के पूरे पूरे इनके योग जो हैं वो बनते हुए मुझे दिखाई यहाँ पर देते हैं, क्योंकि हर चीज़ इनके अंदर 50-60% इनके अंदर मौजूद है, बट एक्शन ओरिएंटेड नहीं होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत इन्हें आ रही है। तो विंड चाइम ये लगाएं अपने घर में वेस्ट में, तो बहुत फ़ायदा इन्हें होगा। साथ साथ वुड एलिमेंट यहाँ पर 4 नंबर थोड़ा सा मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं इनको एक लाइट ग्रीन बल्ब वेस्ट नहीं सॉरी ईस्ट साइड डायरेक्शन में, क्योंकि 4 की जो है वो साउथ ईस्ट है, तो अगर ये लगाएंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा लें या ईस्ट डायरेक्शन में लगा लें, फ़ायदा देगा। या फिर एक इमेज लगाएं जिसमें ग्रीन ट्री जो है वो आपकी वहाँ पर मौजूद रहे। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर ये करते हैं, साथ ही साथ क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड थोड़े से कम हो रहे, तो येलो जो कलर है वो वियर करें, तो बहुत अच्छा इनको यहाँ पर रिजल्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इनके जो नंबर्स हैं उनमें भी थोड़ी सी अगर आप देखें, तो 1 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। अब ये 3 बार जब रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चैटर बॉक्स हैं, खूब बातें करते हैं, खूब मज़े लेते हैं, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि कई बार लोग इनसे उबाऊ भी हो जाते हैं। लेकिन जो बात है वो मैं बताऊंगा, कम्युनिकेटिव हैं लेकिन अपनी बातों को कई बार सही से एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पाते। 9 9 जो है वो आया है, तो क्रिटिकल है सोच में, ट्रेडिशनल है सोच में, क्रिएटिविटी की थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई देती है। इस बात का ध्यान आपको विशेष रखना होगा कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा बनाकर रखना होगा, और क्रिटिकल ज़्यादा सेंसिटिव नेचर में अगर आप जाएंगे तो दिक्कतें जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस लूशो ग्रिड के ऊपर। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स, और पूरी कोशिश करेंगे आपके एनालिसिस करने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो किसी एक को हम लोग लेते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन फिर भी आप लोग करिए कमेंट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सीधा क्लिक कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर, आप डायरेक्ट पहुँचेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। गवर्नमेंट सर्विस लगने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, और अगर ये मेहनत करें और अपने थॉट्स को अगर ये एक्शन में लेकर आ पाए तो ये बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, और अपना घर होगा, और अच्छा घर होगा, बड़ा घर होगा। देखने के लिए धन्यवाद।